दरअसल मैंने तुम्हें अपने क्लासरूम में ये लेटर देने के लिए बुलाया था। ये लेटर देने के लिए ही बुलाया था मैंने। खैर, तुम जब यहां आ ही गए हो तो ये लेटर तुम्हारे डैड तक पहुंचा दोगे? जी सर, जी हाँ। राज, आई वॉज वंडरिंग कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो? सर, वो हम यूवी से, हमारा मतलब है हम यूवी रणवीर से पूछने आए थे कि रणवीर को कोई मदद तो नहीं चाहिए। क्यों मदद? मदद मदद, अजीब हो तुम युवराज। तुम प्रिंस, युवराज प्रिंस यशवंत देव के बेटे, देव खानदान के वारिस युवराज देव। और जैसा हमने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था, आपको ऐसे लोगों के साथ दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। दीज स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स, ट्राई एंड मेंटेन योर क्लास। और जहां तक बात मदद की है तो युवराज, जस्ट लेट इट बी। और आप रणवीर सिसोदिया, वो आपसे कहा गया था कि स्टाफ रूम में बहुत धूल जम गई है, उसे साफ करना है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपने कोई सफाई की है। खैर, क्योंकि तुम युवराज देव के दोस्त हो, इसीलिए इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूं। थैंक यू सर। ओह, यू वेलकम। थैंक यू सर। युवराज, युवराज हम एक काम क्यों नहीं करते हैं? आज शाम को जाकर हम तुम्हारे डैड से मिल लेते हैं। सर, वो एक्चुअली जब उनका, हमारा मतलब है डैड का फोन आया था, वो कह रहे थे कि वो आज शाम को घर पर नहीं होंगे, कैंपेन की मीटिंग के लिए जाना है। नो प्रॉब्लम, तुम सिर्फ ये लेटर उन तक जरूर पहुंचा देना। यस सर, व्हाई नॉट, श्योर। चले रणवीर, बाय सर। अयो, सैंडविच में करी पत्ता नहीं है, तुम कैसा सैंडविच बनाया? किसमें करी पत्ता नहीं होता? मैं तुम्हें दिखाता। ये क्या है जी? अयो, ये क्या है? क्या है?
छी, व्हाट मैन, ओनियन, नो 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 नो। आखिर आपको चाहिए क्या? नहीं तुम्हें सिखाता है। सैंडविच में पहले कोकोनट चटनी डालने का, फिर टमाटो चटनी डालने का, और ये क्या है? ब्रेड? नहीं जी, ब्रेड नहीं डालने का। एक तरफ से डोसा, दूसरी तरफ से डोसा, और बीच में इडली। बन गया आपका सैंडविच। ये ऐसा नहीं होता। What do you mean, ऐसा नहीं होता? ऐसा ही होता है, ऐसा होना पड़ेगा। आपको ऐसा ही सैंडविच बनाना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपना साउथ इंडिया फूड एसोसिएशन को फोन करेगा। ना तो तुम्हारे पास सांभर है, ना डोसा है, ना इडली है, ये तो सरासर ना इंसाफी है। देखिए देखिए, मैं कुछ मैनेज करती हूँ, आप चिल्लाइए मत। शायला हो? मैं टिया। अयो टिया, माय न्यू बेस्ट टिया, तुम कैसा है? मैं तुम्हें मिलने को इतना वेट किया, मैं तुम्हारे कमरे में भी गया टिया, बहुत पसंद आया कमरा, बहुत ही पसंद आया टिया, और कुछ इवल इवल स्पिरिट जैसा लगा, बट डोंट वरी टिया, मैंने पूजा कर दिया, अपना हीरो का फोटो भी रखा, तुमने देखा? टिया तुम मेरा रूमी ही नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड ही नहीं, मेरा सिस्टर है टिया, बिल्कुल सिस्टर, जैसे जया प्रदा और श्रीदेवी, वो कौन सी पिक्चर, बहुत बड़ा हथौड़ा, हाँ? नहीं बहुत बड़ा तूफान, नहीं नहीं हाँ तूफान तूफान गिफ्ट, सो स्वीट शैला देवी और टिया प्रदा। सॉरी मैंने इंतजाम भी कर लिया है। किसका? साथ साथ में रहने का टिया, सारा इंतजाम कर दिया, हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे, मैं तुम्हारी शैला देवी, तुम मेरी टिया प्रदा, बहुत मजा आएगा, दोनों बहनों की जोड़ी फैंटास्टिक। अरे कहाँ जा रही हो टिया, चलो चलो अपने कमरे में चले, अपना नया मंदिर दोस्ती का, चलो टिया, अरे चलो टिया प्रदा, चलो, अरे बाय बाय सीटू मोटू, अरे चलो टिया। टिया प्रदा, मैं बहुत एडजस्टिंग टाइप का हूँ, मेरा बस थोड़ा थोड़ा सामान रहेगा कुछ दिनों के लिए, बस अभी के लिए एक छोटा फोटो मेरे हीरो का, गॉड, बस बड़ा फोटो आते ही इसे हटा देगा, फिर बड़ा फोटो पे अच्छा संभाला, और कमरे में बोनली अगरबत्ती और पूजा का स्मेल। टिया प्रदा, तुम फिक्र मत करो, सारा ईविल स्पिरिट भाग जाएगा, रजनीकांत सबको चुन चुन के मारता है। ओम रजनीकांतम नमः। टिया को तुमसे कुछ बात करनी है। ये नकनक पढ़ने डा। बोलो टिया प्रदा, बोलो, मेरा कान किसी का बात सुनने को तरस गया जी, सब कहता कि मैं बहुत बात करता जी, क्या आपको सच में ऐसा लगता जी, और अगर ये सच भी है तो क्या हो गया जी, मैं बहुत लोनली जी, मैं बिना किसी के ग्रो अप हुआ जी, मेरे डैडी बहुत बड़े बिजनेसमैन जी, बिजी बिजनेसमैन, और मेरी मम्मी पार्टी और दोस्तों में बिजी जी, मैं अकेला ग्रो अप हुआ जी, बिना भाई बहन डैडी मम्मी, बहुत लोनली जी, अब सिर्फ आप मेरी नई फैमिली जी, नया खानदान, प्रिया प्रदा मेरी बहन, मेरी बहन। आओ जी आओ, तुम मेरी नई बहन से मिले टिया प्रदा। टिया प्रदा, ये मेरी स्वीट मोटू, और आप जी, आपका नाम क्या? तुम दोनों भी हमारी तरह सिस्टर जी। अब इसमें टिया क्या कर सकती है?
क्या हुआ? बेब्स प्लीज ऐसा मत करो, तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है। वो वुमन तो टोटल फ्रीक है, उसने जबरदस्ती टिया को अपनी सिस्टर बना लिया है। मैंने कहा था ना टिया, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाओगी, और अब तो सिस्टर बना लिया। जिसकी आधी बातें टिया को समझ में नहीं आती, टिया उसे अपनी सिस्टर कैसे बना सकती है? अगर टिया उसे एक कप टी मांगेगी ना, तो वो टिया को पेट्रोल पिला देगी। हाँ मैंने तुम्हारा फेस देखा था टिया, तुम भी उसकी बातों में आके इमोशनल हो रही थी। हाँ लेकिन उसकी स्टोरी कुछ ऐसी है। बेब्स, शायला बहुत लोनली है, और तुम तो जानती हो कि टिया से किसी का भी पेन नहीं देखा जाता। ओके टिया, तो तुम जाके उसके दर्द में शामिल हो, बस मुझे बोल देना रूम कब खाली करना है, मैं अपना सामान लेके चली जाऊंगी। तुम पागल हो गई हो, ये कैसी बातें कर रही हो, क्या हो गया है तुम्हें? टिया को चांस मिलते टिया उसे जाकर साफ साफ कह देगी कि उसे टिया का रूम छोड़ना होगा। ओके आयो जी जी अम्मा, मैंने तेरा सारा बात सुन लिया। क्या समझता है, क्या समझता है शायला देवी को? हाँ बोलो ना, क्या समझता है शायला देवी को? कि शायला देवी दो दो एंगल्स के बीच में वाल बन के खड़ा हो जाएगा, अपने मैन को अपने एंगल से अलग करेगा। एंगल व्हाट मैन? अभी अभी तो तुमने एक दूसरे को एंगल बुलाया जी। एंगल? नहीं नहीं, एंजल। एंजल प्रिय और महक टिया के एंजल्स हैं। व्हाट टिया प्रादा, मैंने भी तो वही बोला, एंगल, हवा में उड़ने वाला एंगल। मेरा ट्री एंगल, तुम कितना क्यूट जी, सो स्वीट, तुम दोनों कितना अच्छा दोस्त। तुमको कैसा लगता हम तुम दोनों को अलग कर सकता जी? मतलब? आयो मतलब पूछता जी, मतलब अब तुम दोनों को कभी अलग नहीं होने देगा जी। मतलब तुम? मतलब मैं शैला देवी सेठ, और तुम मेरी टिया प्रदा, और तुम मेरी स्वीट मोटू, हम तीनों एक साथ एक कमरे में रहेंगे। और मैं? मैं? उसको कौन अलग भेज रहा जी, वो भी हमारे साथ रहेगी उसी कमरे में। मतलब हम चारों एक कमरे में एक साथ? पर कुछ नहीं, शैला देवी सेठ ने डिसीजन ले लिया है। आफ्टर ऑल टिया प्रदा आहूजा का बहन होना कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। पर मैं भी नीचे नहीं सो सकती, सिंपल। हाँ और मुझे भी आदत नहीं है। ओके आयो आयो, शांति शांति शांति, हमारा रजनी सो रहा जी। रजनी? रजनी कहाँ सर, उनको डिस्टर्ब नहीं करने का। अब देखो हम तो जमीन पे सो नहीं सकता, हमारे यहाँ जमीन माता होती है, और हमारा जमीन पे सोना माता का इंसल्ट होगा जी। मतलब? पर मैं भी जमीन पर नहीं सो सकती। ओके लुक, जमीन पर सोने से मुझे बुरे सपने आते, जैसे जैसे मेरा सारा मेकअप किसी ने चुरा लिया हो। क्या? हाँ टिया, और मुझे भी जमीन पे सोने से भूख लगती है, और एक बार मैंने खाना शुरू कर दिया ना टिया, तो प्लीज एंजल्स, तुम्हें फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम में से किसी को भी फ्लोर पर सोने की जरूरत नहीं है। टिया लेकिन अपने एंजल्स के लिए आज रात फ्लोर पर टिया सोएगी। अयो फ्रेंड तो ऐसा ऐसा एंगल बहुत नसीब से मिलता है। वेरी गुड टिया प्रदा, वेरी गुड। Ah
शायला बेब्स, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ शायला? मत पूछिए जी, मत पूछिए। तुमने कुछ ज्यादा खाना खा लिया क्या? खा लिया नहीं स्वीटू मोटू, नहीं। तो तुमसे किसी ने कुछ मीन कहा क्या? आई मीन सपने में? अयो मैं सोया किधर की सपना आएगा? आई मीन मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि मुझे नींद आए। तो फिर हुआ क्या है तुम्हें? बोलो ना, हम सब है ना? सुनना है? ओके ना? हाँ बोलो ना। ओके ओके, मैं तुम सबको सब कुछ बताता है। बचपन में जब मैं बहुत छोटा था, मेरे पास एक बिल्ली था। अच्छा, उसका नाम क्या था? डॉगी। नहीं नहीं, तुम्हारी बिल्ली का? डॉगी। बिल्ली का नाम डॉगी? हाँ भैया, हमने अपनी बिल्ली को कंफ्यूज करने के लिए उसका नाम डॉगी रखा था। एक दिन हमारा बिल्ली जिसका नाम डॉगी है हमारे साथ पिकनिक पे गया। हमने बहुत केला कूदा, बहुत मस्ती किया। हमने उसके लिए गेंदे का माला भी बनाया था, बहुत सुंदर लग रहा था। फिर हम लेक में कूदा, बहुत मस्ती। फिर हम खाना खा के सो गया, और जब हम उठा हमारा बिल्ली मिसिंग था। हमने उसे बहुत ढूंढा, दूर दूर तक ढूंढा, बट नहीं, वो बिल्ली हमारे लिए बहुत स्पेशल था। पता है टिया प्रता, हमने उसको थोड़ा थोड़ा तमिल भी सिखाया था। अगर हम सोता नहीं तो शायद हमारा बिल्ली हमारे साथ आज तक होता। तब से लेके आज तक हमें कभी नींद नहीं आई, हम कभी सो नहीं पाए। करेक्ट, एक डॉगी ही डॉगी का दर्द समझ सकता है। क्या? आयो, मेरा मतलब है एक सिस्टर ही एक सिस्टर का दर्द समझ सकता है। हाँ ऑफ कोर्स। तुमको पता है मुझको अभी नींद क्यों नहीं आया? हाँ अभी तो तुमने बताया। नहीं नहीं वो नहीं। तो फिर? मुझको लगा अगर मैं आंख बंद करूंगा तो तुम सब गायब हो जाएगा। नहीं पेप्स, डिया और उसके एंगल्स, आई मीन एंजल्स यही पे तो है। नहीं, हमको ऐसे यकीन नहीं आएगा। तो फिर तुम एक एक करके मेरा हाथ पकड़ो, तभी हम सोएगा, तभी हमको नींद आएगा। क्या? हाँ, नहीं तो मैं ऐसे ही रोता रहेगा। अब नहीं नहीं, तुम रो मत, टिया तुम्हारा हाथ पकड़ेगी। नहीं, एक एंगल एक हाथ पकड़ेगा तो दूसरे हाथ का क्या होगा? और तुम आंटी? मैं क्या, तुम्हारे कितने हाथ हैं? हाँ तुम्हारे दोनों हाथ टिया और मेहर ने पकड़े हैं ना? मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं नहीं स्वीटू मोटू, मैं तुम्हारा गोदी जो तकिया जैसा मोटा है उसमें सर रख के सोएगा। प्लीज आओ ना, आओ आओ ना स्वीटू मोटू, प्लीज।